का मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के बड़े नेता नतीजों पर मंथन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे समेत आला नेता इस बैठक में मौजूद हैं। सीकर सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। एक एक सीट पर बारीकी से नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। कहां कहां सीटें घटी हैं, भाजपा का जनाधार कहां घट गया, सीटें कम क्यों हो गई, इन तमाम बातों को लेकर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। कई दिग्गज नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद है। चूंकि 25 सीटें पिछली दो बार के चुनाव में बीजेपी जीतती चली आ रही थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही दावा और कॉन्फिडेंस बीजेपी में था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 25 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी महज 14 सीटों पर ही सिमट गई। ऐसे में अब समीक्षा की जा रही है कि आखिर ये सीटें लैप्स कैसे हो गई, ये सीटें बीजेपी को लॉस में क्यों ले गई, क्योंकि इन सीटों पर भी बीजेपी को जीत की उम्मीद थी। कौन कौन से मुद्दे वहां पर हावी हो गए, क्या कैंडिडेट का सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ, कमी कहां रह गई, कौन से समीकरण साधने में बीजेपी चूक गई, ताकि आगे जब चुनाव हो तो इस तरीके की गलतियां रिपीट ना होने पाए, इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक की जा रही है। तो लगातार बैठक में जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो शामिल हैं और चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर कहां चूक गई बीजेपी। सहयोगी लवली वधवा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे। लवली, चर्चा जरूरी है क्योंकि दावा था 25 की 25 सीटें जीतने का, लेकिन 14 पर ही सिमट गई बीजेपी। देखिए, बिल्कुल भाजपा के किले में सेंध लगाने में न केवल कांग्रेस बल्कि पूरी तरीके से इंडी गठबंधन राजस्थान में जो है, ये कह सकते हैं इंडी गठबंधन ने अपने पैर पसारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब भाजपा इसी पर मंथन कर रही है चुनाव परिणामों के 10 दिन बाद में, हालांकि ये मंथन हो रहा है। इस पर मंथन चिंतन में यही निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी उन जिलों के अंदर जिन्हें प्रभारी बनाया गया था, उन मंत्रियों ने किस तरीके से काम किया, जो पदाधिकारी थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका थी, जो पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चली, जातियों को आपस में झगड़ने की जो राजनीति चली, खासतौर पर चूरू का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जहां पर जिस तरीके की जो राजनीति को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं और कयास जो चल रहे थे, उस पर भी काफी जद्दोजहद जो थी वो आज भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में देखने को मिली। हालांकि संगठन जो है वो सबको एक साथ बिठा करके एक टेबल पर बात कर रहा है, ताकि एक वैचारिक रूप से जो विचार हैं वो जो है वाला कमान तक पहुंच पाए। और आखिरकार क्या कारण रहे राजस्थान के अंदर 25 का जो मोदी मैजिक चलना चाहिए था राजस्थान में, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं होता तो शायद ये परिणाम और भी खराब हो सकते, इस तरह की चर्चाएं भी जो है वो पदाधिकारियों ने अपने संगठन के समक्ष रखी है। तो जो राजस्थान के नेता थे, क्या उनका मैजिक फीका पड़ गया राजस्थान के अंदर, क्योंकि विधानसभा के अंदर उनका मैजिक भरपूर चला था। राजस्थान में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने किले को मजबूत किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या कारण था कि राजस्थान जैसा मजबूत स्टेट, जिसे ये कहा जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा स्टेट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जनाधार है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर जो है वो इन सीटों को हारने के कारणों पर मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। सीकर के प्रत्याशी सुमेधानंद जो है वो अभी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में वहां के लक्ष्मणगढ़ के प्रत्याशी सुभाष मेहरिया अपनी टीम के साथ आए हैं, जिले के पदाधिकारी भी आए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। आखिरकार सीकर में क्या कारण था कि जो व्यक्ति विधानसभा के चुनाव में जो है वो तीसरे पायदान पर रहा, वो लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत जाता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी काफी पीछे रह जाता है। तो ये तमाम चीजों पर लवली जरूरी है कि हार के कारणों की समीक्षा की जाए, क्योंकि अलग अलग बात सामने आ रहे हैं कि कहां कहां पर चूक रह गई। अब जब लोगों से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो असल में वजह क्या रही इस हार के पीछे वो भी पता चल सकेगा। अब चूंकि उपचुनाव भी हो रहे, ना सिर्फ खिरसर सीट पर बल्कि अलग अलग सीट पर जो विधायक अब सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में क्या उपचुनाव को लेकर भी तैयारियों के तौर पर इस बैठक को देखा जाए। लवली, देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि हमने ज्योति मिर्धा से बात की, वो नागौर से चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई, वो जीत नहीं पाई चुनाव में, लेकिन वो चाहती हैं कि अब अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी दे खींवसर सीट की, जहां से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीता है, तो वहां पर चुनाव लड़ेंगी पार्टी के कहने पर, और शायद वो वहां से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का दावा भी वो कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हाँ, आमतौर पर राजस्थान का इतिहास यही रहा है कि जो सत्ता में होता है दल वही उपचुनाव में बाजी मारता है, लेकिन जिस तरीके से जनाधार घटा है इन दिनों में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद में, तो ऐसे में चिंता का
विषय है, बीजेपी के लिए मंथन करने का विषय है कि आखिरकार जो जनाधार घटा है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए और जनता में जो विश्वास कम हुआ है, कार्यकर्ताओं में जो विश्वास कम हुआ है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, वैचारिक बातों को भुला करके भाजपा के किले को कैसे मजबूत किया जाए, इन चीजों पर मंथन जो है लखवीर, ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो सके। इस बैठक में एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, जबकि कई दिग्गज नेता लवलीस यहां पर बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, समीक्षा कर रहे हैं। क्या वजह माना जाए लवलीस के पीछे, क्यों नहीं पहुंचे किरोड़ी लाल, कुछ पता चल सका है? देखिए, संगठन की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बयान जारी नहीं किया है, किरोड़ी लाल मीणा ने भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपने बात पर अभी भी कायम है। उन्होंने कहा था कि अगर सीट हार गए तो वो मंत्री पद छोड़ देंगे। हालांकि उन्होंने मंत्री पद को छोड़ा नहीं है, अपना कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ना वो दफ्तर जा रहे हैं, ना वो सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं, और आज वो भाजपा के दफ्तर भी नहीं आए जब उन्हें एक विधायक के तौर पर यहां पर आना था और हार के कारण बताने थे कि टोंक सवाई माधोपुर में सुखवीर सिंह जौनापुरिया इतनी बुरी तरीके से क्यों चुनाव हारे, हरीश मीणा जिन्होंने तैयारी पूरी नहीं की कांग्रेस से वो चुनाव कैसे जीत गए, तो वहां पर क्यों मैजिक नहीं चल पाया बीजेपी का। इन तमाम कारणों को, इनके कारणों के जवाब देने थे किरोड़ी मीणा को, लेकिन किरोड़ी मीणा नहीं आए हैं। और जो भाजपा के सूत्र वो ये कह रहे हैं कि भाजपा का कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा किरोड़ी मीणा से, वो जयपुर से बाहर बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में चिंता का विषय है कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री जो है वो जिस तरीके की बात कहते हैं पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद में संगठन की बैठक में नहीं आते हैं, तो ये संगठन के लिए भी विचार करने का विषय है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो आगे उपचुनाव आ रहा है, पंचायत के चुनाव है, निकायों के चुनाव है, वहां पर अगर भाजपा को अपने किले को मजबूत करना है, मोदी मैजिक को बरकरार रखना है, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और वैचारिक मंथन के बाद में जो निचोड़ निकलेगा उस पर भी काम करने की जरूरत है। अगर उस पर काम नहीं किया गया तो कांग्रेस जिसका सफाया करने की बात कह रही थी बीजेपी, उसने अपने किले को फिर से मजबूत किया है, अपनी जड़ों को राजस्थान में फिर से जमाने की कोशिश की है, और पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस कि भाजपा की आपसी लड़ाई का फायदा कांग्रेस उठाए, और कांग्रेस भाजपा की आपसी लड़ाई से, आप देखेंगे चूरू के कैंडिडेट को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया, टिकट दे दिया, आप बाड़मेर चले जाएंगे वहां उम्मीदवार बिनीवाल को ले लिया, ये तमाम लोग चुनाव जीत भी गए। और जब बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को डूंगरपुर से लिया, वो प्रत्याशी न केवल चुनाव जीत पाए बल्कि बड़ी हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा, वो विधायक की कुर्सी से भी गए और सांसद का चुनाव भी हार गए महेंद्रजीत मालवीय। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ये कब तक चलेगा। नरेंद्र मोदी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन मोदी मैजिक के साथ में बीजेपी के नेताओं को अपना मैजिक भी दिखाना होगा। माना यही जा रहा है कि जो सीटें आई भी हैं वो मोदी मैजिक की वजह से आई है, लेकिन राजस्थान में जो बातें अब तक निकल कर सामने आई है कि आपसी कलह एक बड़ी वजह रही उन सीटों को लैप्स करने में जो बीजेपी नहीं जीत सकी, तो ऐसे में आगे चुनाव में ये आपसी कलह ना हो, क्या उन लोगों पर कुछ एक्शंस भी हो सकते हैं जब ये पता चल सकेगा कि कौन कौन लोग थे जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को? देखिए, पार्टी भाजपा जो है वो खासतौर पर अनुशासन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो है ये कहा जाता है कि भाजपा से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलता है, बैठक में क्या मंथन हुआ है वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन देखिए कि भाजपा में अब जो गतिरोध था वो चुनाव के परिणामों में सीधे तौर पर देखने को मिला। अब भाजपा जो जिन लोगों ने बगावत की, जिन लोगों ने चुनाव में नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। बिल्कुल, बीजेपी जानी भी जाती है बड़े फैसले लेने के लिए, और जो अनुशासनहीनता दिखाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए भी अब है कि जो लोग दोषी पाए जाते हैं सीट लॉस करने को लेकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और बैठक का निचोड़ क्या निकलता है, इस पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। लवली, बहुत शुक्रिया आपका।